मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करें। होती है चलती है जमाना चला गया, हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और दसवा संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। सबका विकास होगा तभी भारत विकसित बनेगा।